नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 नवंबर 2023 की। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, PNP से जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट को लेकर हर एक अपडेट को देखेंगे। और देखिए दोस्तों, जो हमारा BPSC बिहार शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड जारी होता है, कुछ ऐसा ही शो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि पोर्टल पर सत्यापन नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति से वंचित। जी हाँ दोस्तों, कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि इस बार DLED में भी काफी बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होंगे। अगली खबर है मिड सेमेस्टर 5 से तो सेमेस्टर एग्जाम 24 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। ये अपडेट कहाँ से आ रही है? ये अपडेट लखनऊ से। पूरी अपडेट अभी हम देखेंगे। लेटेस्ट जॉब में बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8,000 से ज्यादा क्लर्क पद के लिए आवेदन की तारीख है। अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023 है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट एवं अन्य समकक्ष योग्यता चाहिए। वेबसाइट आवेदन के लिए देख सकते हैं SBI की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना में, APSC में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे योगदान की प्रति आज करे जमा। जी हाँ दोस्त, यह अपडेट फिलहाल बिहार पटना से आ रही है। तो यहाँ पर क्या मामला चल रहा है इसको देखेंगे। उसके बाद परीक्षा डेट सीट की हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर आपको BPSC शिक्षक भर्ती के बाद जब आप लोग को सैलरी मिलेगी, तो उसको लेकर काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि सर हमें नेट सैलरी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, जो नेट सैलरी होती है, यहाँ पर क्लियर भी लिखा गया है, 40,000 रुपये अगर आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के माध्यम से नौकरी पाते हैं। जो बच्चे DLED कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं इस समय भी, तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 40,630 रुपये से होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग दोस्तों DLED करके, आपको बता दें, 1 to 5 में भी नौकरी पा सकते हैं, 6 से 8 जूनियर में भी पा सकते हैं, वहां पर आपकी सैलरी रहेगी 45,130 रुपये पर मंथ। 1 महीने की सैलरी है दोस्तों, ये सोचिएगा, ठीक है। अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते होंगे तो हो सकता है आपको 3,000, 5,000, 8,000, बहुत ज़्यादा 10,000 ये सैलरी मिलती है। सोचिए कि आपको सरकारी विद्यालय में उतना पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, उतनी मेहनत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा 6 घंटे, ठीक है, और सैलरी आपकी 40 से 45 हज़ार DLED करने के बाद, ठीक है। आपको बता दें, अभी जो हमारी BPSC के माध्यम से शिक्षक भर्ती का पेपर होगा वो दोस्तों बिहार में नेक्स्ट मंथ 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और मान के चलिएगा कि जनवरी तक, नए साल तक बच्चों को नियुक्ति पत्र भी बंटना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों काम कितना तेज हो रहा है हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप लोग को मतलब DLED के जो नोट्स हैं उसको कैसे देखना है ऑनलाइन जाकर, ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है। जैसे काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर की नोट्स कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी CTET UPTET नोटिफिकेशन की जो भी अपडेट आती है, देखिए होता क्या है ना कि बेसब्री से सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर UPTET का नोटिफिकेशन है। हम आपसे कहते हैं कि CTET, एक बात याद रखिएगा वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, CTET ऑनलाइन आवेदन की आज लास्ट डेट है, ठीक है। आज के बाद दोस्तों आप आवेदन नहीं कर पाएंगे CTET में। अगर अभी तक आपका CTET में आवेदन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, फीस पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आज के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की जो भी अपडेट आती है, या स्कूटनी की अपडेट आती है, फेल छात्रों के लिए अपडेट आती है, तो हर एक अपडेट को हम आप तक पहुँचाएंगे। जब आप लोग शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो आपको क्या गलती नहीं करनी। देखिए, टेबल पर पैर रखकर बैठे मिले गुरुजी निलंबित कर दिए गए, छात्राओं से अश्लील हरकत में शिक्षक निलंबित हो गए। देखिए दोस्त, इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है लेकिन कुछ लोग उसका गलत फायदा करके खुद को निलंबित करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है DLED में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने सारा प्रोसेस आपको बता रखा है, एक एक वीडियो। देखिए होता है क्या ना, हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है। देखिए जब आप लोग मैथ का पेपर देने जाएंगे, तेरा परीक्षा डेट सीट को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा प्रथम सेमेस्टर हो गया, चलिए हम सेकेंड सेमेस्टर का ही लेते हैं, द्वितीय सेमेस्टर, हर बार आपको गणित से सामना करना पड़ेगा, गणित आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, 5 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 14 नंबर के टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 14, 6, 20, 5, 25, टोटल आपका 25 नंबर का पेपर है। 25 में से पास होने के लिए जो पासिंग नंबर होता है, मिनिमम पास होने के लिए आपको लाना पड़ता है 12 नंबर। अगर आपके 11 है तो आप फेल माने जाएंगे। अब 12 नंबर ये कैसे बन सकते हैं, समझिए, सिंपल सा लॉजिक है।
हम कह रहे हैं कि पांच नंबर बहुविकल्पी के तो आप सही कर ही सकते हैं। देखिए आप किसी भी क्लास में जाते हैं ना, तो भैया अड़ोस पड़ोस आपके जो क्लास दोस्त होते हैं वो इतनी मदद कर देते हैं, तो जो भी कमजोर बच्चे होते हैं उनको कभी भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में, पांच क्वेश्चन में तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुविकल्पी क्वेश्चन करने बैठेंगे, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, तो आपका कम से कम 5 से लेकर 15 मिनट तक खराब हो सकता है। तो अगर आप ये 15 मिनट बचा कर ये लघु उत्तरी में अति लघु उत्तरी में कोशिश करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। समझिए जरा, कुछ लॉजिक को समझा करिए, क्योंकि कमजोर छात्र करते क्या हम बता रहे हैं, हर बार जो बच्चे गलती करते हैं, पहले तो दोस्तों वो 5 क्वेश्चन 15 मिनट बर्बाद करके अपना करेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट कंफर्मेशन होती है वो अपने टॉपर दोस्तों से ही लेते हैं, तो फायदा क्या हुआ आपको, समझिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो देखा वो कोई बच्चा फेल हो, वैसे हमने आपको एक एक वीडियो बता रखी, एकदम समझा रखी, डीपली एक्सप्लेन है, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट रह नहीं जाता है। लेकिन चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देखना है, और बाकी बीपीएससी का रिजल्ट या कुछ भी, चलिए अब ऑफिशियल वेबसाइट से देख। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है, और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com, DELEDRESULT.com सभी बच्चे याद रखेंगे, जो बच्चा DELED कर रहा है इस साल, तो DELEDRESULT 2023 इस वेबसाइट को हमें सिंपल सा ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी के जो एडमिट कार्ड है उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, DELED परीक्षा का जो रिजल्ट यहाँ से, और परीक्षा डेट शीट का लिंक, चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं, इस पर जानकारी देखेंगे। लेकिन स्कॉलरशिप का स्टेटस अगर आपको देखना है तो इसको भी नए पेज में खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DELED BTC या BED की स्कॉलरशिप आई है या नहीं, देखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका 2022 और 23 बैच का, इसको भी नए पेज में ओपन करते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा वैल्यू, सिंपल था, कितनी आसान वेबसाइट है ना, तो ये हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नोट्स को लेकर, जैसे अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है DELED की देखना है, तो मान लेते हैं हमें फर्स्ट सेमेस्टर की देखना है, तो क्लिक हेयर पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे मान लेते हैं हमें गणित का पढ़ना है, तो गणित पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ गणित है और यहाँ पर क्लिक हेयर उसके सामने, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे मान लेते हैं कि हमें बहुविकल्पी की देखिए वीडियोस, मान लेते हैं हमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखना है, इस पर प्ले वीडियो में क्लिक करेंगे, एक नए पेज में वीडियो हमारी ओपन होगी, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हमारी वीडियो ओपन हो चुकी है। अब तक दोस्त इसको 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने देखा है, 10,000 बच्चों ने वीडियो को पसंद भी किया है, तो देख सकते हैं आप लोगों के कमेंट्स आए, वेरी हेल्पफुल वीडियो, आई अप्रिसिएट, ठीक है, तो बच्चों के जो कमेंट्स है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए इस वीडियो को देखेंगे तो 2 घंटे 48 मिनट, इतने में तो एक पिक्चर भी खत्म हो जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब एक्सप्लेन किया गया अच्छे से कि आप कुछ भी आपसे छूटे ना, अच्छे से आपकी तैयारी हो सके, कोई गलती ना हो, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर वीडियो, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर तैयारी अगर करनी है तो भाई ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको बहुविकल्पी की वीडियो देखना, तो इस पर क्लिक करिए। देखिए हमने आपको बोला ना, तीन ही वीडियो मेन होती है, एक बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी की। बहुविकल्पी पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वीडियो का लिंक रहा, ठीक है, इससे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, अब देखिए आपके मन में सवाल होता है कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर रहता है, जैसे 2019 का प्रश्न पत्र हल देखना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए कि 2019 में कैसा DELED में पेपर आया था, वो भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी देखिए आपसे छूटेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन आया था, गणित प्रश्न पत्र हल 2019, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में रखे गए थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी पसंद आ रही होगी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए व्हाट्सएप नंबर काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है, ठीक है, तो लिख लीजिए 8738079216। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की वीडियो चाहिए, ठीक है, तब आप लोग इस पर मैसेज करेंगे, आप लोग अपना नाम और अपने जिले का नाम मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।